हमने आज से 3-4 साल पहले भोजपुरी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए आज से 30-40 साल पहले जो मेरी मम्मी दादी नानी लोग गीत गाती थी, मड़वा का गीत, कोहबर का गीत, बरनेत का गीत, उन गीतों को डायरी मेंटेन करके मैं लिख रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए मैं स्वच्छ और साफ सुथरे गीत लिख रही हूँ। तो मैं इस तरीके से भोजपुरी को लेकर के काम कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल भोजपुरी में आप गीत सुनती होंगी, बहुत वल्गर और बहुत अश्लील गीत बजते हैं, तो मैंने उसके खिलाफ ये आंदोलन छेड़ रखा है। मुझे ये भी पता है कि इस आंदोलन में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कई बार मैंने अपने कई लोगों को बोला कि आओ मेरे साथ इस आंदोलन से जुड़ो, लेकिन सबने बस इस बात से कन्नी काट ली कि नहीं, मुझे फलाना भैया के साथ डुएट करना है, गाना है, थोड़ा सा अश्लील नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा, थोड़ा सा वल्गर नहीं गाएंगे तो व्यूज़ नहीं आएगा। तो ये मेरी लड़ाई जारी है, उन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई जारी है जो भोजपुरी में लहंगा उठा दे रिमोट से गा करके आज संसद में बैठे हुए हैं। फटाफट खोल के दिखाओ गाने वाले लोग जो है आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वो लोग जो लहरिया लूटा ए राजा और गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी जैसे गाने वाले को जब टिकट दिया जाता है तो मेरी लड़ाई जो है थोड़ी सी और मैं मेरी आवाज़ और थोड़ी सी और मेरा सवाल जो है और तीखा हो जाता है। और बहुत ज़रूरी ये सवाल है इलेक्शन के टाइम पे, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट दिया था आसनसोल से, तो मुझे लगता है कि भाजपा भी जो है वो ऐसे गंदे गायकों को प्रमोट कर रही है, भाषा को अपमानित करने वाले लोगों को वो टिकट दे करके सम्मानित कर रही है। यही सारी चीज़ें, यही मेरी भोजपुरी को लेकर के मेरी लड़ाई है कि भोजपुरी भाषा को बहुत बदनाम किया लोगों ने, अब संसद को कोई ऑर्केस्ट्रा और डीजे नहीं बनाना है, वो संसद है, वो बहुत सम्मानित जगह है, वो कोई स्टेज शो का वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है और वो डीजे और फलाना ढिमकाना जो चीज़ें होती हैं वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ पर्टिकुलर मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन जी से ही नहीं है, मेरा सवाल भाजपा से भी है। भोजपुरी की बर्बादी में जितना हाथ मनोज तिवारी का, रवि किशन का, निरहुआ का और भी बहुत सारे लोग हैं उनका है, उतना ही रोल मैं भाजपा का भी मानती हूं। और मैंने कई बार ये चीज कहा है कि मुझे तो कई बार लगता है कि भाजपा ने भोजपुरी को बर्बाद करने की जो है वो सुपारी ले रखी है। कोई भी भाषा जिसमें बहुत सुंदर गीत बन सकते थे, अगर मैं खासतौर से भोजपुरी की बात करूं तो रोजगार के गीत बन सकते थे, महंगाई के गीत बन सकते थे, महिलाओं के शिक्षा के गीत बन सकते थे, किसानों मजदूरों के गीत बन सकते थे, उन गीतों में सिर्फ लहंगा चोली ढोड़ी पेटीकोट और महिलाओं को अपमानित करने वाले ही गीत बने। और ऐसे लोगों को जब भाजपा टिकट देती है तो मेरा सवाल भाजपा से भी है कि भाई मुझे तो यही लग रहा है कि आप जो है भोजपुरी को बर्बाद करना चाहते हैं, आप खुद भी शामिल हैं कि जो जितना गंदा गाएगा उसको हम उतना जल्दी जल्दी टिकट बांटेंगे। तो ये सवाल मेरा भाजपा से भी है, बतौर भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा के प्रति सजग और एक संवेदनशील क्या बोलेंगे, भोजपुरी भाषी होने के नाते मुझे लगता है ये सवाल भाजपा से भी होनी चाहिए।